ठीक है चलो, चलिएगा देखिएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब, हाँ हेलो हेलो हेलो, जागो, ये जानलेवा टॉपिक है। श्वेता श्वेता करिए, ये जानलेवा ये है तो बाकी क्या था अभी तक जो सब पढ़ाया जा रहा है, तो सब क्या है? अच्छा देखिएगा सरफेस टेंशन, हेलो, सरफेस टेंशन जो है भाइयों वो किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की प्रॉपर्टी, किसके सरफेस की प्रॉपर्टी है? जल के सरफेस की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। लिक्विड का सरफेस क्या है, क्या होता है सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब क्या बोल रहे भाई साहब, सरफेस क्या होता है? हाँ, इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड एयर, ठीक है। जल वायु अंतर सतह को जल की सतह कहा जाएगा। हिंदी में भी समझ में नहीं आया, बोले इंग्लिश में भी समझ में नहीं आया, समझ गए? मराठी हमको आती नहीं। वाटर का एयर के साथ जो इंटरफेस होगा, जैसे ये वाटर है, ये किसी कंटेनर में आपने कोई वाटर लिक्विड रख दिया है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, और कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। इसमें एक सरफेस है केवल, कितने सरफेस हैं? एक सरफेस है ना, ये है सरफेस, ये ठीक है। यहाँ सरफेस नहीं है तली में, लिक्विड एयर वाटर एयर इंटरफेस को हम क्या कहेंगे, वो है सरफेस। सरफेस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। अभी मैंने क्या किया, ऐसे करके, ऐसे कैसे करा, ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पर दो चौक दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो पहली वाली कौन सी रंग की है? वाइट। पहली वाली तो कहाँ है वाइट? अच्छा पहले पहले डिसाइड करना पड़ेगा पहला कौन। अच्छा ठीक है, ये दो आपको चौक दिखाई दे रही हैं ना, दिखाई दे रही, देख रही होंगी। अभी मैंने क्या किया, एक सोप फिल्म इनके बीच में बना दी। क्या बना दिया? सोप फिल्म, समझते हैं ना आप, सोप, साबुन, साबुन कह लें अब, ठीक है। सोप क्या था ये? सोप तो समझते हो गए यार, डेली सोप के आगे ना बढ़ पा रहे तुम, वहीं पर लगे हुए। सास भी कभी बहुत थी, थी, अब क्या है वो? टीचर भी कभी स्टूडेंट, टीचर इज ऑलवेज स्टूडेंट, कभी नहीं, हमेशा सीखना पड़ता है। अभी देखिए इनके बीच में आपने एक सोप फिल्म बनाई, कितने सरफेस, कितने सरफेस? हेलो आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी, एक सरफेस जो तुम्हारी तरफ है, एक जो मेरी तरफ है, अब समझ में आए भाई यार, ये कितने सरफेस? दो है, ये समझ पा रहे हैं ना? अभी मैंने कहा ये एक हवा में उड़ता बुलबुला है, बबल, आराम से आराम, क्या है ये? हवा में उड़ता बुलबुला, देखे होंगे आपने मेले में, उड़ाए भी थे, अरे गजब। तो इसमें कितने सरफेस, कहाँ से देखना, तुम चाहे जहां से देखो टोटल बताना है, आगे पीछे किधर कह लें, एक बार इधर से देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, कितने भाई? दो, कहाँ है दो? एयर वाटर इंटरफेस, यहां पर एयर है, अंदर फिर से एयर है, तो बीच में कौन है? वाटर है, तो आप कहोगे एयर वाटर, यहां से एक इंटरफेस मिलेगा, फिर वाटर एयर एक इंटरफेस मिलेगा, तो वी आर हैविंग टू सरफेसेस एयर, कितने सरफेस हैं? दो सरफेस, दो सरफेस, टू सरफेस, ठीक है। ये है ड्रॉप, कितने सरफेस? वन,
100%। अंदर कौन है? पानी। बाहर कौन है? हवा। तो आपके पास कितने सरफेस? एक सरफेस। समझ पाते हैं आप क्या बात? ठीक है, ये क्या था यार? कंटेनर था क्या? वापस लाओ। कंटेनर में क्या है? पानी है। यहां पर एक बबल है, यहां वाटर है, ठीक है। इस बबल के कितने सरफेस? एक सरफेस। क्या तुम लोग को सब आ रहा है समझ में? एक सरफेस, सिंगल सरफेस, वन सरफेस। बहुत ही बढ़िया बात है, गजब है। ये टूज इंडिया देना मुझे, ऊपर का दे दो बस, पेज कुछ भी दे दो, पूरा जो देना है वो दे दो, कुछ तो दे दो। ठीक है, देखिएगा ये आप एक बात और बताएंगे आपको, ये आपको शीट दिख रही है सारे लोगों को? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ए यार तुमने क्या दे दिया मेरे को, एलर्जी हो जाती मेरे को हाथ में से। आदित्यनाथ, ये क्या है? शीट है। अभी देखना आप बहुत ध्यान से, अभी मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, फोल्ड किया, कर्वेचर आया इसमें। अभी ये फ्लैट था पूरा, अभी इसमें कर्वेचर आया, आया पक्की बात है। ये सिंगल कर्वेचर है। कैसा कर्वेचर है? सिंगल कर्वेचर है इसमें, सिंगल है ना। अभी अगर मैं इसको ऐसे भी फोल्ड करूं और इसमें जैसे भजिए लेने नहीं जाते लोग, हाँ 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 हाँ, तो लोग तो इसमें दाल ले आते हैं, कहने लगे दाल दे दो यार, थोड़ी सी दाल दे वैसे। तो ऐसे भी फोल्ड करेंगे और यहां से भी फोल्ड करोगे आप, तो जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसमें कितने कर्वेचर होते हैं? एक ये वाला भी होगा और इधर से भी फोल्ड होगा वो, उसमें डुअल कर्वेचर होता है। तो मैं क्या करूं, बोल रही है कि मेरा बर्थडे, अच्छा है? वो सीरी अपना बर्थडे बता रही थी, अक्टूबर में पैदा ही नहीं हुआ यार, फिर क्या 15 जुलाई। अरे मेरी बात भी सुन लियो। अभी देखो इसको ऐसे फोल्ड करोगे, कितना कर्वेचर आया? एक कर्वेचर आया। ऐसे फोल्ड करोगे, नहीं अभी भी एक आया, लेकिन अगर दोनों फोल्ड एक साथ कर दिए जाएं तो दो कहाँ? जैसे आप बॉल में देखो तो उसमें इधर ऐसे भी फोल्डिंग है और इधर से भी फोल्डिंग है, ठीक है। स्फीयर की खास बात ये होती है कि उसके दोनों ओर की रेडियाई सेम होती है, मतलब यहाँ फोल्ड करने से जो सर्कल बनेगा ना, और ऐसे फोल्ड करने से स्फीयर में जो सर्कल बनेगा, दोनों सर्कल की रेडियस क्या होती है? सेम होती है। लेकिन ऐसा रेडियस का सेम होना हर जगह जरूरी नहीं है। बेलपूरी बेचने वाले आदमी, पहले मैं सोचा खाने वाला बोलू, लेकिन ये तो बना के लिया है। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए है, 20 की है। तो बना लिया उनने, कहना सर ऐसे करके। नींबू है भाई साहब? ये तो तुम्हारी दुकान पे आएगा ना, बोलेगा बेलपूरी हटाओ, नींबू नींबू रख दो। अभी नींबू का कार्यक्रम बहुत महंगा चल रहा है। अच्छा ठीक, अच्छा देखो अभी क्या है ना, अगर आपको सरफेस टेंशन समझना है तो आपको थोड़ा दिमाग बहुत खोल के रखना होगा, है ना? नहीं तो सरफेस टेंशन के सवाल हो सकते थोड़े बहुत हो जाए, समझ में ना आएगा, नहीं आता समझ में, क्योंकि पता ही नहीं होता वो क्या रहा है,
और फ्लूइड में खास तौर पर नहीं समझ में आता, रट्टा वट्टा मार के कुछ कुछ काम चल जाता थोड़ा बहुत, लेकिन समझ में तो नहीं आएगा, दिखता ही नहीं है तो दिखेगा नहीं, तो समझोगे नहीं, तो करोगे नहीं। कर्वेचर समझ में आया आपको? दो कर्वेचर, सिंगल कर्वेचर सरफेस भी हो सकता है, डुअल कर्वेचर सरफेस भी हो सकता है ना। तो ये सरफेस सरफेस की बात थी। एयर वाटर इंटरफेस को हम क्या कहते हैं भाई श्वेता? जलवायु अंतर सतह को क्या कहते हैं? सरफेस। हाँ सही बात है। और बायोस्फीयर क्या होता है? तीन का है, तीन का अंतर सतह है वो। हाँ तीनों का, जलवायु स्थल अंतर सतह इंटरफेस, ठीक है ना, ठीक बोल रहे हैं उसमें। लेकिन एक और भी बात, बायोटिक कंपोनेंट होना जरूरी है। हाँ जी, मतलब बायो की बात तेरी बायोटिक ना होगा, होगा होगा। अब मेरी बात सुनते रहना ध्यान से, ये मैं बबल बाहर निकल गया भाई साहब, बस ब्रेक तुम्हें मिलने ही वाला है, तुम चिंता मत करो, बहुत ध्यान से। लेकिन एक बार समझना पड़ेगा, कहो तुम्हें बिना समझाए नहीं समझाएगा पक्का। तो अभी आप देखो यहाँ से, ये आपको एक सरफेस ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है कि जो वाटर का सरफेस है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक स्ट्रेच्ड शीट। कैसी शीट? खींची हुई चादर। चादर को ऐसे खींच लो और फिर उस पर जो है दूसरी मंजिल से किसी को बोले कूद जा बेटा, और जब वो कूदे तो चादर छोड़ दियो। नहीं मजा आ गया। चादर फट जाएगी इसीलिए तो उसने छोड़ दी ना, क्या चादर हो, नहीं नहीं नीचे क्या चादर बच गई भाई साहब। ठीक है, स्ट्रेच्ड शीट की तरह बिहेव करता है वाटर सरफेस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेच्ड शीट एंड वाटर सरफेस इज दैट कि शीट ऑबेज हुक्स लॉ। शीट को जितना खींचोगे टेंशन उसमें उतना ज्यादा आएगा, स्ट्रेचिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टेंशन आएगा किसमें? हाँ, लेकिन जल की सतह के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? कि उसको खींचा वींचा नहीं जाएगा, कि पकड़ के दो लोग जल की सतह को खींच रहे हैं, सतह उठा के ले, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, है ना। ठीक है, अब देखो क्या है, दो तरह के इंटरैक्शंस की बात होती है। इंटरैक्शन समझते हैं? हाँ, एक होता है एडहेसिव इंटरैक्शन और एक होता है कोहेसिव। कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज कोहेसिव। और एडहेसिव मतलब अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज एडहेसिव। इतना ये भी समझते हम लोग, ठीक है, इंटरेक्शन होता है तो जल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्या? करते हैं क्या पक्का, या एकदम फ्री रहते हैं एक दूसरे से? एकदम फ्री नहीं रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं तो बॉन्ड टूटते रहते होंगे, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या? ओके, डायनामिक है तो फील्ड बॉन्ड नहीं होगा, फिर तो वो होगा क्या कहते हैं उसको, बैंड टाइप का होगा, कुछ एनर्जी बैंड होगा जिसमें टहल रहे होंगे सब, बाउंडेड एनर्जी बैंड है जी, मोटी के हिसाब से। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है भाई। अभी देखना बहुत ध्यान से, आप सुनना मेरी बात,
अभी यहां से एक व्यक्ति को ऐसे ऊपर से देखने को कहा गया, ठीक है, देखेंगे हम। अंकित तुम देखोगे? देखो, ये अंकित की आंख है, चश्मा गिर गया पानी में, यहां से देख रहे हैं। तो इन्हें क्या दिखाई देगा? पानी। गजब। पानी कैसा दिखाई देगा? नहीं, पानी अगर ये बीकर है कोई, तो एक सर्कुलर सरफेस दिखाई देगा इन्हें। जो इन्हें दिखाई दे रहा है वो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ऐसा एक सरफेस दिखाई देगा पानी का। इस पूरे सरफेस पर कौन है? पानी ही पानी है, है ना, पानी ही पानी है। मैंने कहा अच्छा अभी एक इमेजिन करो, एक मॉलिक्यूल है यहां पर, इस मॉलिक्यूल के चारों ओर मॉलिक्यूल है, है ना, सरफेस पर खेल रहे हैं, ध्यान रखना आप। तो अभी क्या होगा, हर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसी की ओर जा ना रहा होगा। क्यों नहीं जा रहा? ये हर जगह एक जैसा मामला है, क्या कहां जाए कहां ना जाए, है ना, तो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाए, कहेगा हम नहीं जाएंगे। अच्छा अब सोचना, लेकिन ध्यान से, अभी मैंने कहा एक लाइन खींच ली, ऐसे क्या किया, इस लाइन, ये मॉलिक्यूल्स की लाइन है। अभी मैंने कहा अगर यहां किसी मॉलिक्यूल को देखो, फिर किसी यहां देखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स की लाइन है ये, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए जा रहे हैं। तो हर मॉलिक्यूल पर अगर मैं आपसे कहूंगा इस मॉलिक्यूल पर, तो आप कहोगे देखो इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन लाइन के इस तरफ का फोर्स जो होगा वो लाइन के इस तरफ के मॉलिक्यूल्स के फोर्स से कैंसिल हो रहा होगा, लेकिन किसी एक तरफ का फोर्स तो होगा यार, एक तरफ का, वो दूसरी तरफ से कैंसिल हो रहा होगा, लेकिन एक तरफ का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ही नहीं है, फोर्स तो है, लेकिन दोनों ओर के फोर्स बराबर हैं, इसलिए नेट नहीं है, है ना। अभी मैंने कहा इस वाले मॉलिक्यूल पर भी फोर्स लग रहा होगा ऐसे ऐसे, इस पर भी लग रहा होगा, वैसे तो आपको पता है कि फोर्स तो चारों दिशाओं में है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आएगा और इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो मैं इन्हें ऐसे दिखा सकता हूं। तो अभी हर मॉलिक्यूल पर आप देखोगे कि फोर्स ऐसे लग रहा है, ये डायग्राम ठीक नहीं था, फोर्स ऐसे लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू लाइन, और सारे मॉलिक्यूल्स पर लगने वाले फोर्स ले दे के अल्टीमेटली क्या होने वाले हैं, कैंसिल्ड आउट, ठीक है। अभी मैंने कहा यार यहां पर जो एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, इस पर लग रहा है मान लीजिए 5 dyne फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, 5 dyne। मैंने कहा अगर 20 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे तो 10 dyne, 5 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे तो, इसका मतलब है आपको कि यार देखो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स डबल, अगर मान लो आपने 20 सेंटीमीटर कर दिया तो अभी सारे फोर्स तो बराबर हैं, तो अगर 10 की जगह 20 करोगे तो ये फोर्स डबल हो जाएगा, और क्या है, अरे हो जाएगा, पक्की बात है। ध्यान से सुनना, ये जो किसी एक तरफ से लगने वाला फोर्स है, दिस फोर्स, और ये जो इसकी लेंथ एल, एक तरफ का फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? क्या सरफेस टेंशन फोर्स है? नहीं है। क्या सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है? है, पक्की बात है। क्या सरफेस टेंशन फोर्स है? नहीं नहीं, क्या है ये, कौन सी लेंथ, सरफेस पर खींची गई इमेजिनरी लेंथ, क्या ये फोर्स उस लेंथ के परपेंडिकुलर है? है, ये फोर्स लगाया किसने है, किस पर लगाया है, जल के सतह के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है ये, इनके बीच का फोर्स है, सरफेस के बीच का। तो अभी मैंने कहा अच्छा, तो ये जो मॉलिक्यूल पर फोर्स आ रहे हैं, ये इनके पड़ोसियों ने लगाए होंगे, भाई साहब खींच रहे होंगे ऐसे, तो ये जो फोर्स लगेगा दो मॉलिक्यूल्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा,
जो दूसरी मॉलिक्यूलर लाइन बगल वाली लाइन है उसके मॉलिक्यूल इनको इधर खींच रहे होंगे और इधर वाले उनको इधर खींच रहे होंगे। हम किसी एक लाइन के एक तरफ के मॉलिक्यूल का फोर्स बता रहे हैं। तो आपको नोटिस ये करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स एक तरफ से आप दिखा रहे हो वो दूसरे इस लाइन के आसपास में जो एक लाइन बनेगी उन मॉलिक्यूल से लगने वाला फोर्स है और वो फोर्स इस सरफेस के पैरेलल है क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पर ही है ना। अरे हैं कि नहीं? अरे ये जो मॉलिक्यूल पर फोर्स आया इसके बगल वाले मॉलिक्यूल्स कहां हैं? सरफेस पर ही तो हैं, तो सरफेस के अलोंग ही तो खींचेंगे। अरे यार, अरे चौक पर एक इस बोर्ड पर एक लाइन खींची, एक दूसरी लाइन खींची, खींची कि नहीं? अब इस पर मॉलिक्यूल है, यहां पर इनको इधर के मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहे हैं तो ये जो फोर्स है वो बोर्ड के पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा? लाइन के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? ये फोर्स क्या है, ये सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट कौन सी लेंथ, काल्पनिक लेंथ कौन सी लेंथ, काल्पनिक लेंथ, और ये फोर्स लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात नहीं भूलनी है, फोर्स सरफेस टेंशन से जो फोर्स आता है वो फोर्स काल्पनिक लाइन के इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा और सरफेस के पैरेलल होगा। दिस फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन एंड पैरेलल टू सरफेस। क्या सरफेस टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है? है, स्केलर है, काय दिशा है ही नहीं। अरे भाई साहब, यहां एक लाइन खींच लो, इधर सरफेस टेंशन का फोर्स इधर 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 दिखाओगे, इधर दिखाओगे, इधर ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे दिखाओगे, लाइन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया तो हवा का प्रेशर ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे कर दिया ऐसे लगाएगा, ऐसे कर दिया ऐसे लगाएगा, समझ गए? तो जो जिसकी दिशा प्री डिटरमिंड हो, पहले से फिक्स्ड हो, उसे हम फिर वेक्टर नहीं बोलते, नहीं समझे? उसे फिर हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। क्यों, दिशा बताने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन बताना ही नहीं तो फिर आप बोलोगे दैट इज स्केलर, है ना? जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या उसकी दिशा होती है? होती होगी, हम नहीं बताते किसी को, है ना? ठीक है, तो अभी कुछ कुछ समझ में आई बात, कुछ तो समझ में आई होगी, पूरी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं ये हुई ना बात यार, ऐसे ठीक है, चलो।